डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं, इस तरीके का अपने एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था। ठीक है, अब अपन उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे के अपन ये कहें, जिसे सबसे पहले नेचर ऑफ सी एक्स ग्रुप, ठीक है, अर्थात जो सी एक्स ग्रुप है कार्बन और हेलोजन, जैसे ये लिख दें या मैं यूं कह दूं, ये जो सी एक्स ग्रुप है इसकी प्रकृति क्या है, ये किस टाइप का ग्रुप है, समझ रहे हो? तो जरा ध्यान दीजिए, मैं ये कहूं कि जो भी हैलाइड होंगे उन हैलाइड के अंदर आप जानते होंगे कि इस तरीके का ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड के अंदर अपन जानते हैं कार्बन और हेलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो कार्बन और हेलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर है तो यहां पे आंशिक नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, और यहां पर जो है वो आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा, समझ बात को? तो अपन ये कहने का यह हुआ कि यहां पर इसके अंदर कार्बन एंड हेलोजन की ईएन, ईएन का अर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणता, ईएन में अपन कहने का अर्थ है ये अंतर होने के कारण हेलोजन पर आंशिक इसमें नेगेटिव और कार्बन पर आंशिक अर्थात पार्शली आंशिक पॉजिटिव आ जाता है, अर्थात सी एक्स ग्रुप या अपन कहेंगे बॉन्ड पोलर अर्थात ध्रुवीय है। ये तो ही बात, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर, ठीक है ना? तो इसलिए ये कैसा हुआ, पोलर हुआ। और पोलैरिटी के कारण ही एल्किल हैलाइड अपन कहेंगे सामान्यतया अधिक क्रियाशील अर्थात रिएक्टिव होते हैं। यदि पूछा जाए भाई ये अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देते हैं, वो है ड्यू टू पोलर बॉन्ड सी एक्स, कार्बन और हेलोजन का जो ध्रुवीय बंध है, पोलर बंध है या ध्रुवीय बंध है, इस पोलैरिटी के कारण, इस ध्रुवीय बंध होने के कारण ये हैलाइड जो होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे या अधिक क्रियाशील होंगे। क्लियर? अब अपन ये कहें, ये तो चलो इसकी बात हुई, जैसे हेलोजन के अंदर अब मैं एक्स लिखा या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे यहां पर एक्स की जगह अपन जानते हैं ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है। तो अब यहां पर मैं ये कहूं जैसे कि सपोज सी एच एफ ये ले लो, जैसे कोई कंपाउंड लिया यहां पर सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर सी एच थ्री आई। अब मैं आपको सबसे पहले पूछूं, यहां पर ये सभी बंध ध्रुवीय हैं, ये कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन सभी बंध ध्रुवीय हैं और ये सभी ध्रुवीय यौगिक है, पोलर कंपाउंड है। चलो सबसे पहले मैं एक आपको, आप जानते हो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, ये जैसे इसके अंदर
यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया जाए इन दोनों के, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार कंपाउंड है, ठीक है ना। पहला ये दिया मैंने, आपको लिखनी है इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ सी एक्स, समझ रहे बात। जैसे कार्बन फ्लोरीन एक्स, ये कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इसकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाओगे, क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाओगे, आयोडीन की तरफ जाओगे, हेलोजन की साइज बढ़ेगी। क्लोरीन से फ्लोरीन से क्लोरीन की साइज ज़्यादा होती है, क्लोरीन से ब्रोमीन की साइज ज़्यादा होती है, ब्रोमीन से आयोडीन की साइज ज़्यादा होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर कहें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो यहाँ पर है, इसका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा, सी एस थ्री एफ का सबसे ज़्यादा रहेगा, सी एस थ्री सी एल, फिर सी एस थ्री बी आर, और फिर आ गया सी एस थ्री, क्लियर। अब जैसे आप पोलरिटी की बात करते हो, ठीक है, या डाइपोल मोमेंट की बात करते हो, डाइपोल मोमेंट आप जानते हो, आपने पोल पढ़ा, जिसे आप पढ़ते हो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है डी इंटू ई, लेते हैं डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट डी इंटू ई, ठीक है। तो आपने इलेवेंथ के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है सारा डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये दे दूं मैं यहां पर आपको, डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण म्यू ऑर्डर विल बी, अर्थात इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना है। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अपन जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन या फ्लोरीन है, ठीक है, यहां क्लोरीन आ जाएगा, यहां ब्रोमीन आ जाएगा, यहां आयोडीन आ जाएगा, और फ्लोरीन की विद्युतीनता ज्यादा है, तो जितनी विद्युतीनता ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ज्यादा होगा, यहां चार्ज ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज आएगा अर्थात उसका म्यू ज्यादा होगा। इसका अर्थ है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण इसका ही होना चाहिए, उसके बाद इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका होना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज ये मैं ये कहूं कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो रहेगा वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सी एस थ्री सी एल का, फिर आएगा सी एस थ्री एफ का, और फिर आएगा ये सी एस थ्री बी आर का, और फिर आएगा सी एस थ्री आई का। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान रखना। पूछते हैं अब बात है ऐसा क्यों, तो जरा इसका समझना, कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे इसका ज्यादा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे इसका ज्यादा होना चाहिए था, इससे इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां वेरिएशन आ जाता है। इसका रीजन यू समझें कि जैसे कि यहां पर मैं इसको ये समझू, ये फ्लोरीन है और ये यहां पे क्लोरीन आ गया, क्लियर। तो अपन ये कहते हैं कि यहां पर फ्लोरीन की विद्युतीनता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और यहां पर भी क्लोरीन की विद्युतीनता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो फ्लोरीन की विद्युतीनता ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा होगा, यहां आवेश की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जरा ध्यान देखना, डाइपोल मोमेंट केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अपन मैक्सिमम एग्जांपल चार्ज की बेस पे कर पाते हैं, कर लेते हैं और वो सही आ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल जो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करते हैं उनको अपन अलग से याद रखना पड़ता है, जैसे कि ये एग्जांपल आ गया। अब अपन कहेंगे चार्ज तो इसका ज्यादा है लेकिन क्लोरीन की साइज ज्यादा होने के कारण ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ओवरऑल डी इंटू ई की वैल्यू इसकी तुलना में यहां ज्यादा आ गई,
समझ को। तो इसका रीजन ये हुआ, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, कहने का ये हुआ कि मैं नोट करके यदि बात लिखें तो Cl की साइज अधिक होने के कारण Cx कार्बन और क्लोरीन की डिस्टेंस से अधिक होने के कारण परिणामी D इंटू E की वैल्यू CH3Cl में CH3F से अधिक हो जाती है। अतः म्यू CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। बताओ क्लियर हुई बात, समझ गए को? अब बात को कि सब यहां डिस्टेंस तो इसकी और ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया, परिणामी D इंटू E की वैल्यू इसकी ज्यादा नहीं आएगी। पर म्यू तो क्या देखते हैं, D इंटू E परिणाम दोनों, तो इसलिए ध्यान रखना यहां क्लोरीन की अपन कहेंगे साइज अधिक होने के कारण विद्युतीयता भी है ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन से तो कम है, फ्लोरीन से तो कम है लेकिन विद्युतीयता भी अन्य से ज्यादा है, तो डिस्टेंस अधिक होगी, इसलिए परिणामी D इंटू E की वैल्यू इसमें ज्यादा आने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए ये ओड रह गया। क्लियर हुई बात? तो ये अपन इसके सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या है, ये ध्रुवीय बंध होता है, ध्रुवीय बंध होने से मोर रिएक्टिव होते हैं, उसके अलावा ये जैसे कंपाउंड लिया, बॉन्ड एंथैल्पी, ये तो सिंपल सी बात है, एक डाइपोल मोमेंट का जो है ये पॉइंट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, चलो नोट कर लें। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले अपन लें बाई एल्केन, प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले ले लें बाई एल्केन, एल्केन के द्वारा कैसे बनाए, जैसे किसी एल्केन की रिएक्शन, जैसे ये एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन आप हैलोजन के साथ कराएं, लाइट एस म्यू, तो याद होगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन बाय एल्केन मींस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजिनेशन अपने पढ़ा इलेवेंथ में, तो एल्केन की रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएं लाइट की प्रेजेंस में, तो आप जानते होंगे ये बनेगा प्लस एस एक्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो उसमें आप जानते हो, और ये जो है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होती है, ये सारी इलेवेंथ में डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है, अर्थात मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, जिसमें अपन जानते हैं हैलोजन, हैलोजन फ्री रेडिकल बनेगा वो इसका एच का मुक्त, तो यहां पर इस प्रकार से कोई भी एल्केन ले और उस एल्केन के हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल हैलोजन मुक्त मूलक के द्वारा एच मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन किया जाएगा और इस तरीके से एल्किल हैलाइड बनेंगे। जैसे कोई भी और मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे मैंने मिथेन लिया, मिथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊँ एच म्यू, तो आप जानते हो मैथिल क्लोराइड बन जाएगा, या इसी प्रकार से ये इथेन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया एच म्यू में, तो अपन जानते हैं यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा बाकी ये निकल जाएगा एस सी एल, तो क्या बनेगा सी एस थ्री
CH2Cl, ये पूरी मैकेनिज्म के साथ आपने 11th में किया हुआ है। और यदि आपन प्रोपेन ले, ये प्रोपेन लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ HMU में कराएं, तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बनेगा मुख्य उत्पाद। यही तो बना, क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री का रहेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी तुम जैसे टॉलविन ले लिया, ये टॉलविन ले लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं HMU में, तो बना ब्रोमीन मुक्मूलक यहां से हटाएगा और मुक्मूलक प्रतिस्थाप के द्वारा इस प्रकार से बेंजिल क्लोराइड या ब्रोमाइड बन जाएगा। समझ को, तो ये सभी क्या है, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये जैसे एल्केन है, ये टॉलविन लिया, तो कहने का इनकी रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ लाइट की प्रेजेंस HMU में कराएंगे, तो फ्री रेडिकल के द्वारा इस तरीके से ये पॉसिबल है। समझ गए बात को। और इसी तरीके से यदि अपन भाई यहां पर जैसे एल्किन ले सकते हैं, ठीक है भाई, एल्किन कर सकते हैं, जैसे ये तो भाई दूसरा मेथड जिसे बात करें अपन, भाई एल्किन, तो एल्किन की रिएक्शन जैसे ये एल्किन ले, सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, समझ रहे हो, या इस तरीके से रिएक्शन डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr के साथ करा दे, तो क्या होगा, ये रिएक्शन किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक ये होगी, अपन जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होगी। तो यहां पर मैं पहले ये लिख देता हूं रिएक्शन, तो आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, H प्लस यहां जुड़ेगा, ये H प्लस यहां जुड़ेगा, क्या बना CH3 CH Cl एंड CH3, यहां पर भी देखा जाए CH3 CH Br CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप एल्किन कोई भी लें यहाँ पर और उसके साथ यहाँ पर योग कराएं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा अपन कह सकते हैं ये प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं आपको। इसी प्रकार से जैसे और अपन एग्जांपल लेके इसमें देखें, जैसे मैंने ये लिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो आप जानते हो पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इसके प्लस आई के कारण, सबसे पहले H प्लस यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ने से बना CH3 CH3 प्लस कार्बोकेटाइन बना, फिर क्या होगा रीअरेंजमेंट, 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट होता है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कौन सा है 2 डिग्री, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से CH3 CH3 CH2 CH3 ये आ जाएगा, और फिर आक्रमण कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, कौन आ गया Br, और Br जुड़ने से CH3 CH3 CH2 एंड CH3, और ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि एक ध्यान रखना, यदि इसी प्रकार से जैसे मैंने ये एल्किन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड यहां तो एडिशन आपको होता है AMKR द्वारा, परोक्साइड आप जानते हो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है, और योग किसके अनुसार होता है यहां पे AMKR, जानते हो ये सारी, तभी मैं कह रहा हूं 11th के अंदर जो ऑर्गेनिक पढ़ी उसको वापस एक बार रिवाइज करना जरूरी है, समझ रहे हो,
क्योंकि वो सारी आगे ऐसा है, आइसोमेरिज्म की बात हो, नामकरण की बात हो, जीओसी की बात हो, हाइड्रोकार्बन की, वो सारी की सारी रिएक्शनें वापस आएगी। इसलिए कम से कम एक बार जो पढ़ा है इलेवंथ में उसको थोड़ा सा रिविजन जरूर करें, समझ गए ना। अब जैसे आप जानते हो एल्किन की रिएक्शन एस बी आर परोक्साइड के साथ कराते हो, ये सारी वहाँ मैकेनिज्म के साथ कराई हुई है सारी डिटेल से, तो योग किसके अनुसार होगा, ए एम के आर, तो एच अपन जानते हैं यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन बी आर यहाँ जुड़ेगा, तो मुख्य उत्पाद के रूप में अपन जानते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ही हो गया। तो कहने का ये हुआ सर एच बी आर यहाँ परोक्साइड है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा योग से मुख्य उत्पाद बन जाएगा, और ये जो है ये अपन जानते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, मुक्मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा ये मुख्य बन जाएगा, मुख्य उत्पाद बन जाएगा, और योग जो है वो अपन जानते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग होता है इसका, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप जैसे कोई भी एल्किन ले लें, जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये एल्किन ले ली, मैंने रिएक्शन करा दी यहाँ पे ब्रोमिन के साथ सी सी एल फोर, तो आप तो भी अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक है, बी आर प्लस और बी आर माइनस इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो क्या बना सी एच टू बी आर सी एच टू बी आर, अर्थात डाईहैलाइड बन गया, कौन सा विसिनल या जैम, तो अपन कहेंगे विसिनल, निकटवर्ती कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े तो कौन सा गया विसिनल डाईहैलाइड हो गया, ये मोनो एल्किल हैलाइड हो गया, ये डाई एल्किल हैलाइड हो गया। इसी प्रकार से जैसे कोई भी लिया मैंने, सपोज मैं ये लेता हूँ एल्काइन ले लिया, मैंने ये एल्काइन लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई एस सी एल के साथ एच प्लस सी एल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया H प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ जुड़ेगा Cl, फिर यहाँ जुड़ गया तो ये आ गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एल, ठीक है। अब फिर मैं यदि इसकी रिएक्शन करा दूँ एस सी एल के साथ, तो आप जानते हो इसका प्लस R प्रभाव होगा, प्लस R के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि ये लोन पे इधर आएंगे ये इधर आएंगे, तो वही बात आ गई प्लस R कौन सा है माइनस R कौन सा है, इलेवंथ में जी ओ सी पड़ी, तभी कह रहा हूँ इलेवंथ वाला सिलेबस एक बार वापस करना जरूरी है। इसका प्लस आर होता है, प्लस आर के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो एच प्लस, एच प्लस कहाँ जुड़ेगा यहाँ पर, और सी एल कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पर, क्या बना सी एच थ्री एंड सी एच सी एल एंड सी एल, कौन सा डाईहैलाइड बना, तो अपने कहेंगे जैम डाईहैलाइड। तो सर मोनो एल्किल हैलाइड हो डाई एल्किल हैलाइड, मोनो बन सकते हैं डाई बन सकते हैं जैम बन सकता है विसिनल बन सकता है, कोई भी दे दे अपन इस तरीके से रिएक्शन के लिख सकते हैं, समझ बात को, ठीक है। तो इनको नोट करें, अब अपन नेक्स्ट जो है एल्कोल से उनसे कैसे बनाएंगे वो अपन कल बात करेंगे, ठीक है।